my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to tell. Yeah, nuts for my gang. Give me just a stamp. हेलो गाइस, की हाल है तुम्हारा। आज हम एक ऐसे शो की बात करेंगे जिसको कहा तो रियलिटी शो जाता है, लेकिन मुझे किसी रोंदू शो से कम नहीं लगता। हाँ जी, अपने बारे में कुछ बताओ। सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बड़े बड़े बहन भाई हैं, मेरे तो सर पे बाल पे गरीबों की तरह आते हैं। सर प्लीज, सर हम बहुत गरीब हैं, सर प्लीज सर। अरे भैया, जॉब इंटरव्यू है, क्वालिफिकेशन बताओ। इंडियन आइडल नहीं है कि ड्रामा थोड़ा स्टार्ट कर दिया हो? तो यार आज हम बात करेंगे इंडियन आइडल में आने वाले उन जाबाज लोगों की जिनको सिंगिंग आती हो ना हो लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ आ जाते हैं ऑडिशन देने। तो भैया शुरू करते हैं। इतना बड़ा मुंह खोला है भाई साहब ने कि दो चार गोल गप्पे तो ये बंदा आराम से एक ही बारे में निगल लेता होगा, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि एक दो गोल गप्पे की जगह फिर भी बचती होगी इसके मुँह में। और ये क्या दांतों के बीच में बैटमैन का लोगो क्यों बनवा रखा है भाई? लगता है बहुत ही बड़ा फैन है बैटमैन का। नाक तो इतना बड़ा किया हुआ है जैसे इसमें अंगूठे डाले हों। ना 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 ना, हाथ के नहीं, पाँव के। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम। मेरे भाई इतना ऊपर ना हो कि कहीं पंखे में हाथ ना आ जाए तेरा। जैसे तू नगाड़ा बजा रहा है ना, मुझे तो ये डर है कि कहीं धरती में छेद ना हो जाए। इतनी जोर जोर से नगाड़ा कौन बजाता है और ऊपर से डांस क्यों कर रहा है भाई? गाना गाना तू। एक और कतई जहर किस्म का बंदा आया जिसको लगा ये इंडियन आइडल ने इसके स्कूल का एग्जाम है कि हाथ पे चीटिंग लिख के आ गया एग्जाम देने। आपको भूल जाऊं कुछ ऐसी बात कर। अबे तुझसे ज्यादा याददाश्त तो हमारे गजनी भाई की होगी। और गाना कौन सा गा रहा है? आपको भूल जाऊं कुछ ऐसी बात। ऐसे 1990 के गाने गाओगे तो भैया यही होगा तुम्हारे साथ। बताइए आपकी उम्र क्या है? 30। अरे बुढ़ाओ, आपकी उम्र पूछी, आपके नवासे की नहीं पूछी। बीमारी में ऐसे हो रहा है। बीमारी? क्या बीमारी? क्या बीमारी आपको? नजला जुकाम। क्या बीमारी? नजला जुकाम। बस सही है भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो। अबे ऐसी कौन सी बीमारी है कि शक्ल और जिस्म से बुढ़ा हुआ हो गया चाचा? जुकाम से अगर बुढ़ापा आता है तो ठंडे इलाके में पैदा होने वाले बच्चे तो भाई बुढ़े ही पैदा होते होंगे। शर्म करो, भगवान से डरो। तेरी सूरत तो यार आपको भी अगर किसी लड़के लड़की या टिकटॉकर ने धोखा दिया तो भैया ये तेरी सूरत फॉरवर्ड करें और अपनी रूह को सुकून और शांति पहुंचाएं। मेकअप करके बूढ़ों को खूब जलाती है। जिंदगी में इतना गुटखा खाते हो कि दांतों में करिश के दांतों जैसे छेद हो जाए तो भैया थूक कहाँ से टपक रहा है आपको घंटा पता नहीं चलता। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मर गई मैं। उसने जो भी कर डाला तू पहले ये बता तुझे यहाँ आने किसने दिया? ऐसे से लड़कों के दोस्त होते हैं जो इतने बेगैरत होते हैं कि दोस्त पे टैलेंट हो ना हो लेकिन उसको ये सब बेगैरती करने पे मजबूर कर देते हैं। अब इस बेचारे को भी इसके दोस्तों ने आगे भेजा होगा कि भाई तेरे जैसा सिंगर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, तू जा इंडियन आइडल जीत के आ। अगला लगाओ भाई। ताके गोल चला इधाए धाए। इस बंदे की अदाएं तो देखो, सारे ठेक ठॉक के लड़के इसी से ट्रेनिंग लेते हैं आकर। सब इसको मोहल्ले की चिकनी चंबेली के नाम से जानते हैं। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। गाना गा रहा है या अपनी जंग लगी इंजन जैसी बॉडी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है? आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। अपने शक्ल से तो भाई साहब फर्स्ट वेंचर लग रहा है जो टीचर को मस्के मार मार के 98% नंबर लेते हैं। और ऊपर से गाना भी किसी इंग्लिश एस्से से कम नहीं गा रहा है, जैसे घर से रट के आया। सुर ताल की तो बात ही मत करो भाई, गाने की तो फीलिंग तक नहीं आ रही। मस्त 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 कलंदर। एक जगह टिक जा भाई, मेरे गाना गाना है, मुजरा शो नहीं है। यहाँ पर कुछ तू मुजरा कर रहा है, कर क्या रहा है भाई? ऐसा लग रहा है कि जैसे कंधों पे से मक्खी उड़ा रहा है। इस डांस को देखकर तो अक्षय कुमार भी खून के आंसू रोया होगा। मस्त 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 कलंदर। मस्त 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 कलंदर।
अबे दीपक कलाल की चुईया है क्या? जैसे वो हर वक्त मोह मोह करता है वैसे ही तू आह आह कर रहा है। हाँ, अब गलती इस बेचारे की भी नहीं है। हर जगह इतने रियलिटी शोज आ गए हैं कि बेचारी भोली आवाम को पता ही नहीं चलता कि डांसिंग का ऑडिशन चल रहा है कि सिंगिंग का। काफी नाराज है हमारी इंडियन टीम से। हाँ भाई, तेरे से तो सभी चिढ़ेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है कि धोनी को ऑनलाइन ओएलएक्स से मंगवा लिया, वो भी 2 रुपए में। इतनी भी क्या दिक्कत आ गई थी कि 2 नंबर धोनी बन गया? भाई अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरों की कॉपी बनना बंद कर दो। आपकी उम्र क्या है? 29 आपकी उम्र है पक्का? और ये रहा सस्ता चंपक लाल जो कि daraz.pk से ऑर्डर करवाया गया है। और एज क्या बताई भाई साहब आपने? आपकी उम्र क्या है? 29। अगर ये 29 का है तो मैं तो भाई पैदा ही नहीं हूँ अभी तक। अरे बुढ़ाऊ, गले में कुत्ते का पट्टा पहन कर जो झुरियाँ छुपा रहे हो, जरा खोल के तो दिखाओ। अन्नू मलिक भी कहता होगा कि बाप रे बाप, अगर ये 29 का तो मैं तो भाई 20 साल का हूँ। ऐसे लोगों के गीले रुमाल से पिटाई होनी चाहिए। परंपरा जिबटू भी नाचे क्यों स्पीडी मैन? स्पीडी मैन? अबे स्टूपिड तो सुना था, ये स्पीडी क्या होता है? क्या गा रहा है भाई? गाना, सुर, ताल, लिरिक्स सब कोई तरोड़ मरोड़ के गा दिए भाई साहब ने। एक पे भी रहम कर लेते तो क्या चाहता भाई साहब आपका? और ऊपर से डांस भी हो रहा है। मल्टी टैलेंटेड है भाई हमारा भाई तो। गोली मार भेजे पे। हाँ भाई दे बंदूक दे, मैं अभी तुझे गोली मारती हूँ। बल्कि छोड़, मैं अपने आप को ही गोली मारती हूँ। के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट डाउन करें कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो भाई वहां पर भी जाके फॉलो करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।